खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। चेतन शर्मा की अगुवाई वाली नेशनल सिलेक्शन कमेटी और विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय टीम के बीच विवाद चल रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ अहम टेस्ट सीरीज से पहले इस तरह का विवाद कई सवाल खड़े करता है। दरअसल टीम इंडिया के ओपनर शुभमन गिल के चोटिल होने के बाद इंग्लैंड दौरे से बाहर होने की वजह से इस विवाद की शुरुआत हुई। विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय टीम चाहती थी कि शुभमन गिल के चोटिल होने के बाद पृथ्वी शॉ और देवदत्त पडिक्कल को इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड भेजा जाए, जिनकी शुभमन गिल की जगह टीम में एंट्री हो। विवाद तब और भी बढ़ गया जब चेतन शर्मा की अगुवाई वाली नेशनल सिलेक्शन कमेटी ने पृथ्वी शॉ और देवदत्त पडिक्कल को शुभमन गिल की जगह इंग्लैंड भेजने से साफ मना कर दिया। सिलेक्शन कमेटी का मानना था कि भारत के पास इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पहले ही बहुत से काबिल खिलाड़ी हैं। चेतन शर्मा की अगुवाई वाली नेशनल सिलेक्शन कमेटी के मुताबिक टीम इंडिया के साथ इंग्लैंड में पहले ही बंगाल के कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन मौजूद हैं, जो ओपनिंग में बढ़िया विकल्प हैं। वहीं विराट कोहली की अगुवाई वाली भारतीय टीम को बंगाल के कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन पर भरोसा नहीं है। चेतन शर्मा की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी ने जैसे ही पृथ्वी शॉ और देवदत्त पडिक्कल को शुभमन गिल की जगह इंग्लैंड भेजने से मना किया तो मामला और भी गर्मा गया। सिलेक्शन कमेटी के इस कदम की वजह से जब कप्तान को उनकी पसंद का खिलाड़ी नहीं मिल पाया तो चयनकर्ताओं के साथ उनकी तनातनी हो गई। देखना होगा कि इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले क्या ये विवाद सुलझ पाएगा। तो आप भी अपनी राय रखिए, साथ ही जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।